मोदी सरकार बार बार कहती रही है कि काला धन रखने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ब्लैक मनी के खिलाफ पिछले साल सरकार ने नोट बैन जैसा सख्त कदम उठाया था और आज प्रवर्तन निदेशालय देश भर में ब्लैक मनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। ईडी ने देश भर में एक साथ 100 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, पटना, रांची, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और बेंगलुरु जैसे देश के सभी बड़े शहरों में ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है। ईडी उन फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिनका संबंध काले धन को सफेद करने से था। सूत्रों के मुताबिक ऐसी तकरीबन 300 कंपनियां ईडी के निशाने पर हैं, जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा काला धन सफेद किया है। दरअसल नोटबंदी के बाद पैसे खपाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई गई थी। अधिकारियों को आशंका है इन कंपनियों के जरिए पैसा विदेशों में भेजा गया है। इसी को लेकर शुरुआती जांच के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। गौरतलब है कि नोट बैन के बाद सरकार द्वारा काला धन घोषित करने के लिए 31 मार्च तक का आखिरी मौका दिया गया था। 31 मार्च के तुरंत बाद सरकार द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई बताती है कि आने वाले दिनों में काले धन के खिलाफ सरकार और कड़े तेवर दिखाने जा रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।